कमाल इंजीनियर और कमाल इंजीनियर का जुगाड़ और ठेकेदार का जुगाड़ है, देख सकते हैं आप। देखिए कैसा सपोर्ट दिया, नीचवा सपोर्ट दिया, देख सकते हैं आप। देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार होता है। राजू जी आप तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, ऐसा भी पढ़ाया जाता क्या? अभी हमने आपको दिखाया था, देखिए देखिए आप भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, देख सकते हैं। देखिए ऊपर से टीना सिर्फ दिया है और नीचे में सीमेंट का लगा दिया और लोग को लगा कि ये लोहा था। यही देख सकते हैं, देखिए आप देखिए इसको हाथ में लीजिएगा तो देखिए किस तरह से, देखिए आप देख सकते हैं, दिखाइए ठीक है, देख किस तरह से इसमें ढेला है ठीक है। और इसमें इंजीनियर का काम किया था, हाथ एक बार घुसा देगा ना तो बता देगा कि कितना ग्रेड का सीमेंट है और डुप्लीकेट है या तो जो है ना क्या है, दिखा सकता है। देख सकते हैं भ्रष्टाचार हुआ पूरा साफ दिख रहा है, एक बोरा देखे ना हम लोग, भ्रष्टाचार सीधा हुआ। देखिए दरवाजा के लिए जो लगाया जाता है, देखिए टीना का लगाया गया, देख सकते हैं आप। देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, देखिए दोनों के बीच में टीना लगा दिया, उसमें बीच में जो सीमेंट है ना, सीमेंट और बालू में मिला करके डाल दिया गया, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ बताइए। कितना दिन टिकेगा, कितना देखिए किस तरह से इसमें आप देख सकते हैं इसमें, और ये जितना भी देखिए बाहर से देखेगा लगेगा पूरा फुल्ली लोहा लोहा, लेकिन किस तरह से भ्रष्टाचार क्या, देखिए देखिए इंजीनियर को समझना चाहिए कि थोड़ा मोड़ा भी उसको जो है ना नॉलेज नहीं हुआ, इस वजह से भ्रष्टाचार किया है। अरे नॉलेज नहीं, पैसा खाया पैसा, ठीक ना, अपना भी आत्मसम्मान होता है ना कि मेरा। नमस्कार, मैं रणधीर कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया सच टेक न्यूज। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हवेली खड़गपुर के आईटीआई कॉलेज, सरकारी आईटीआई कॉलेज, और ये करीब 2 साल से बन रहा है, अभी तक बनता ही है, पता नहीं कब चालू होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ का भ्रष्ट ठेकेदार और भ्रष्ट इंजीनियर अपना काम करके चले गए, अपना पैसा निकाल लिए। आपको हम दिखाएंगे कि आईटीआई नहीं, ये गौशाला है, पशुपालन के लिए लगता है गौशेड नहीं बना है, उस प्रकार से ये गौशेड है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना बढ़िया से टेल्स और टाई का सुविधा किया गया था। लेकिन देखिए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भ्रष्ट हुआ है, और हम आपको दिखाएंगे। देखिए इधर जंग लग गया सब कुछ में, और यहाँ का काम किसी का देख रेख में नहीं हो रहा है, यहाँ का कौन ठेकेदार है, कौन फानी हो रहा है। देखिए देखिए टेस्ट टायर लगाया और यहाँ पे टूट गया, कितना भ्रष्ट काम हुआ है। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो के माध्यम से दिखाइए, उधर थोड़ा ऊपर दिखाइए, अभी इस कॉलेज का उद्घाटन तक नहीं हुआ, यहाँ एक भी दिन कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए भी नहीं आया है। उसके बाद देखिए स्थिति कॉलेज का क्या है, बंजर है, पूरा जंगल में तो बना ही है, लेकिन इसको सजाया नहीं गया दोस्तों। टेस्ट टाइट तो बिछाया है लेकिन कोई भी काम के नहीं। आपको हम दिखाने का लगातार प्रयास करेंगे कि आप देख सकते हैं मेरा वीडियो के माध्यम से कि देखिए ये टेल्स बिछाया है, ये टेल्स किस काम का है, कभी उपयोग में आएगा। देखिए इस पे पैसा बर्बाद किया गया, सिर्फ बिहार सरकार का पैसा इसमें बर्बाद किया गया है, ठीक है, और देखिए कोई काम में नहीं आएगा। देखिए और बच्चा का भविष्य तो एकदम बर्बाद किया है, क्या है, 2 साल से इसका जो पढ़ाई होता है ना जाके तारापुर में हो रहा है, और यहाँ का ठेकेदार और यहाँ का जो कि विधायक है उस घर में सोया हुआ है, देखता नहीं कि मेरा कार्यकाल है, कार्यकाल में क्या हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको दिखाने का प्रयास। देखिए किस तरह से, ये तो लगता गौशाला है, आपको हम लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं देखिए किस तरह से ये बिल्डिंग बनाया गया, कोई इसका देख रेख नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो के माध्यम से लगातार देखते रहिए, और इधर देखिए इधर का बंजर देखिए, लगता है भूत बंगला है जैसा कि देखिए। आप देख सकते हैं बांस को किस तरह से बर्बाद किया गया दोस्तों, और कहीं भी कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं। इतना बड़ा बिल्डिंग है, करोड़ों की लागत होगा इसमें, इसका कोई देख रेख नहीं है, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो के माध्यम से देखिए, ये जो है सिर्फ सहारा पे दिया हुआ, इसको अगर ईंट से कोई लात मार देगा तो ये गिर जाएगा, देख सकते हैं आप कितना भ्रष्ट। और ये देखिए देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ था, लेकिन देखिए कितना कमजोर बनाया, कितना भ्रष्ट और निप्पा पोती का सिर्फ काम किया गया। देखिए बेडाउट ग्रेड का सीमेंट यूज किया गया, बेडाउट ग्रेड, इसमें कोई ग्रेड का सीमेंट यूज नहीं किया है, और ना सीमेंट में ग्रेड का यूज किया गया, ना बालू का इसमें यूज किया, नहीं ईटा में ग्रेड का यूज किया गया, सीधा सीधी इसमें जो नॉर्मल सीमेंट होता है ना, जो कि क्या बोलता सबसे लो सीमेंट, उसमें वो सीमेंट का यूज किया गया है। और देखिए किस तरह से इसका हालत हो गया, अभी गिर गया, अगर बताइए बाद में अगर गिरता, अगर चालू होने से पहले गिरा, अगर बाद में गिरता बताइए किस तरह, अगर कोई इसमें छपा जाता मर जाता, देखिए किस तरह से, देखिए आप देख सकते हैं, देखिए देखिए ना, ये देखिए लगता है कोई बंजर जगह रहे जैसा कि है, देख सकते हैं आप। देखिए सपोर्ट, ईंट का सपोर्ट दिया हुआ, देखिए देखिए कमाल इंजीनियर का जुगाड़ और ठेकेदार का जुगाड़ है, देख सकते हैं आप। देखिए कैसा सपोर्ट दिया, नीचवा सपोर्ट दिया, देख सकते हैं आप।
देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार होता है। राजू जी आप तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, ऐसा भी पढ़ाया जाता है क्या? देखिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है, इंजीनियर जो भी है इसमें घूस लेकर के जो है ना इस सब ठेकेदार को जो है, हम एक बात बोलना चाहेंगे कि इस पे जो सक्सेस कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसा अगर बच्चों के भविष्य का तो बर्बाद ना, हम ही लोग का पैसा से जो है ना इसका अथी होता है जो ठेकेदार काम कर रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए क्या हाल है, सब चीज में हम लोग टैक्स देते हैं उसी का पैसा से भ्रष्टाचार कर रहा है, इसमें तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इंजीनियर अगर इसमें गलत है इंजीनियर पे कार्रवाई होना चाहिए, अगर ठेकेदार गलत है तो ठेकेदार पे कार्रवाई होना चाहिए, सिंपल सी बात है। इस पे पूरा जांच करके उससे जो काम करवा रहा ना उससे अच्छा अच्छा इंजीनियर बैठा हुआ है पढ़ करके, लेकिन उसको काम नहीं मिलता है ऐसा ऐसा इंजीनियर की वजह से। और ये तो अभी बाकी अभी कुछ कम है, अब इससे भी ज्यादा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये एक जगह का नहीं बात है, पूरा बिल्डिंग बहुत बड़ा बिल्डिंग है, हम सघन हर एक जगह घुमाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो के माध्यम से दिया गया, देखिए पाइप को तोड़ दिया है। एक मिनट, इसको कैसे सेट करेगा, देखिए इसको दिखाइए, नजदीक से दिखाइए, देखिए जब इसको तोड़ दिया फिर सेट कैसे किया जाएगा, अंदर से कैसे पाइप निकालेगा बताइए। इस काम को जो है ना ये पलस्तरा जो होता है ना, हाँ। इससे पहले इस काम को किया जाना चाहिए था, लेकिन जो है ना ये इसमें तो पूरा देखिए, इसमें ये देखिए ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ वो टूटा हुआ है, यही तो सब कोई चीज इसमें जो है ना, अगर जो पूर्ण रूप से ठेकेदार जो काम करता है ना उसमें कोई चीज अगर सही रूप से करता है, सही रूप से कुछ भी यहाँ नहीं है, सरकार विधि व्यवस्था सही नहीं है, ठीक है। इस पे हम तो खड़ग जांच होना चाहिए, हम तो खड़गपुर के जो SDM साहब से अनुरोध करेंगे कि वो आए और जांच करे, इस मामला को देखे कि क्या है नहीं है, और तो साफ वीडियो के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं, और हम लोग भ्रष्टाचार को हमेशा दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे, दिखा रहे हैं किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है, और आगे हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से सीमेंट बालू और अन्य चीजों का दुरुपयोग किया गया, आप देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से मसाला मिला हुआ है यहाँ पे, और दुरुपयोग ऐसा एक जगह नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारा जगह देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे मसाला मिला हुआ है, यहाँ पे मसाला मिला हुआ है, देखिए, और ईंट को आप देख सकते हैं जीरो क्वालिटी का ईंट लगाया गया है, और बर्बादी जो लगाया गया लेकिन सरकार का पैसा को बर्बाद किया गया, दुरुपयोग किया गया लगातार। जितना भी सामान लगाया है ना सब दो नंबर सामान लगाया है, और एक नंबर सामान कोई भी ग्रेड का जो होता है ना ठेकेदारी में होता है कि ग्रेड का सामान, अगर कोई भी कॉलेज हो कोई रोड हो उसमें ना ग्रेड का सामान यूज होता है, लेकिन विदाउट ग्रेड का यूज किया, ये लोग पैसा बचाने के चक्कर में ये लोग ऐसा काम किया है। और हम आप लोग को लगातार दिखाएंगे, नीचे अब जाके दिखाते हैं, देखिए मेरा वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ये छत ढाला गया है, छत का लेबल नहीं मिला गया, देख सकते हैं वीडियो दिखाइए, देखिए यहाँ पे गहरा कितना है, देखिए बिना इंजीनियर के देख रेख में काम होगा ना तो इसी तरह का होगा, देखिए लेबल इसका दिखाइए, लेबल दिखाइए, देखिए बीच में कितना गहरा है, आप देख सकते हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं कितना भ्रष्टाचार, देखिए और एक बिल्डिंग में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जितना भी बिल्डिंग आपको इधर से नजर आ रहा है सब में हुआ है, यहाँ से दिखाइए, और एक बिल्डिंग उधर भी दिख रहा है उसको भी दिखाइए, टोटल बिल्डिंग में भ्रष्टाचार हुआ जितना भी बिल्डिंग यहाँ पे उठा है, आइए आप देख सकते हैं मेरा वीडियो के माध्यम से, देखिए दीवार जो है, दीवार को इंटा जो ऊपर ढाला गया उसको देखिए सेंटर नहीं मिलाया गया, आप देख सकते हैं, अरे मुरुख अनपढ़ भी जो बनाएगा ना उस तरह से ऐसा नहीं बनाएगा, देखिए देखिए कहाँ बीम कहाँ ढाला है और ईंट कहाँ, ईंट का सपोर्ट कहाँ और बीम कहाँ, आप देख सकते हैं, अरे जो इंजीनियर नहीं पढ़ा होगा ना कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना वो इस तरह का काम करवाएगा, ठीक है। और देखिए बिना क्वालिटी का सीमेंट आप देख सकते हैं, देखिए देखिए इसको हाथ में लीजिएगा तो देखिए किस तरह से, देखिए आप देख सकते हैं, दिखाइए, ठीक है, देखिए किस तरह से इसमें ढेला है, ठीक है, और इसमें इंजीनियर का काम किया था, हाथ एक बार घुसा देगा ना तो बता देगा कि कितना ग्रेड का सीमेंट है और डुप्लीकेट है या तो जो है ना क्या है, दिखा सकता है, देख सकते हैं भ्रष्टाचार हुआ पूरा साफ दिख रहा है, एक बोरा देखे ना हम लोग, देखे भ्रष्टाचार सीधा हुआ, विदाउट ग्रेड का सीमेंट यूज किया है, विदाउट ग्रेड का सीमेंट यूज, देख सकते हैं ऐसे ऐसे ठेकेदार और ऐसे ऐसे इंजीनियर पर जो ना कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो जो ना बिहार कभी नहीं बदलेगा, इतना आप जान लीजिए, और देखिए इस सीमेंट को देखिए और अंदाजा लगाइए, हम लोग एक बोरा देखिए ऊपर में था तो हम लोग इस चीज को दिखा रहे हैं, और सरकार की संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है, सरकार की संपत्ति नहीं, यहाँ की पब्लिक जो की जो टैक्स देता ना उसकी संपत्ति है और हम लोग की संपत्ति है और बर्बाद कर रहा है लोग, और यहाँ का ठेकेदार और इंजीनियर देखिए बालू का दिखाते हैं, इसमें देखिए कि मिट्टी का मात्रा, इसमें मिट्टी का मात्रा भी चेक किया जाता है, रंजीत जी इसमें मिट्टी का मात्रा भी चेक किया, लेकिन इसमें कुछ नहीं चेक किया, डायरेक्ट जो है ना इसमें लगा दिया है, ठीक है, हम भी पढ़े हैं, ऐसा बात नहीं पढ़े हैं, हम भी इंजीनियरिंग किए हैं, हम भी जानते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है, हमको भी पता है इसके बारे में पूरा जानकारी है, और अगर यहाँ का इंजीनियर साहब से कॉन्टेक्ट होगा ना
तो उसके सामने एक वीडियो आप लोग को और दिखाएंगे कि क्या क्या वो गलत किए हैं, क्या सही किए हैं, अगर उसे कॉन्टेक्ट होगा तब। ऐसे तो भ्रष्टाचार खुद किए, इसमें मिट्टी की मात्रा पता करना चाहिए कि कितना पहले है, उसके बाद लगाना चाहिए। साफ दिख रहा कि मिट्टी है, बालू दिख रहा है, इस पे जांच होना चाहिए। और हम आप लोग को और दिखाएंगे, देखिए देखते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार होता है। ये ईंट सही है, ये सही है, ये सही है, ये देखिए बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको देखिए बीच बीच में जो है ना, जो जीरो लेवल का होता है ईटा, जो कि कम दाम में मिलता है, उसको बीच बीच में घुसा के लगा दिया। आप देख सकते हैं बीच बीच में, ये तो प्लास्टर नहीं करता ना, दिख रहा है। हाँ। जो लगाया होगा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सोच सकते हैं कितना भ्रष्ट काम हुआ होगा, बीच बीच में डुप्लीकेट ईंट जोड़ दिया ताकि पता न चले। हम लोग बिहार सरकार से भी अनुरोध करेंगे और यहाँ के जो विधायक जी है उनसे भी अनुरोध करेंगे और यहाँ के SDM साहब जो भी है उनसे भी अनुरोध करेंगे कि जो है ना इस काम को जांच हो आप, और आकर के खुद अपने आप से देखिए कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, नहीं हुआ। आप तो वीडियो के माध्यम से हम लोग दिखा ही रहे हैं। और एक जगह बात नहीं है, देखिए देखिए ईंट को, देखिए बीच बीच में खराब ईंटा को जोड़ दिया, ईंट को खराब ईंट को जोड़ दिया। देखिए देखिए यह काम तो अभी हम कार्य चालू है, उस समय अगर कोई चेक करने के लिए आता तो यहाँ पे प्लास्टर होता। क्या मुंगेर का भी कोई पदाधिकारी इसको चेक करने नहीं आया? अगर आता तो इस तरह का काम नहीं होता, सिंपल सी बात है, काम नहीं होता, गलत काम हो रहा। अभी इस पे पुष्टि कर दिया जाता तो कहाँ पता चलता क्या है नहीं अंदर में। ये साफ दिख रहा कितना भ्रष्ट काम हुआ, देखिए आपको हम लगातार दिखाएंगे। आप भी इंजीनियरिंग का तैयारी किए हैं, उसका पढ़ाई किए हैं, आप मुझे ये बताइए जो भ्रष्ट काम हुआ है, कैसे दीवार कैसे फट गया? विदाउट ग्रेड का सीमेंट, विदाउट ग्रेड का ईंट यूज हुआ है, ठीक है, और जो कि बालू का जो जिसमें मात्रा होता है कि मिट्टी कितना होना चाहिए वो सबका देख रेख नहीं किया गया, सिंपल सी बात है। जूम करके थोड़ा दिखाइए, जूम करके दिखाइए, ठीक है। देखिए इसमें पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फट गया, आप देखिए ऊपर में, और ऊपर में देखिए ऊपर सब पूरा दिखाइए, जूम करके दिखाइए थोड़ा, पूरा फटा हुआ, ठीक है। इसमें बिना ग्रेड का सीमेंट यूज किया गया है, ठीक है, और बिना ग्रेड का ईंट यूज किया है, इसी वजह से जो ना फट गया। ऐसे ऐसे इंजीनियर ऐसे ऐसे ठेकेदार पे जो ना कार्रवाई होना चाहिए। अभी बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है, अगर अभी तो क्लास चालू नहीं हुआ ना, क्लास जब चालू होगा, इसका तो क्लास तारापुर में चल रहा, क्लास जब चालू होगा तो छत कभी भी गिर सकता है इसका, ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है कि। देखिए दरवाजा के लिए जो लगाया जाता है, देखिए टीना का लगाया गया, देख सकते हैं आप, देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। देखिए दोनों के बीच में टीना लगा दिया, उसमें बीच में जो सीमेंट है ना, सीमेंट और बालू मिला करके डाल दिया गया, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ बताइए। कितना दिन टिकेगा कितना, देखिए किस तरह से इसमें आप देख सकते हैं इसमें, और ये जितना भी देखिए बाहर से देखेगा लगेगा पूरा फुल्ली लोहा लोहा, लेकिन किस तरह से भ्रष्टाचार क्या, देखिए इंजीनियर को समझना चाहिए कि थोड़ा मोड़ा भी उसको जो है ना नॉलेज नहीं हुआ, इस वजह से भ्रष्टाचार किया है। अरे नॉलेज नहीं, पैसा खाया पैसा, ठीक ना, अपना भी आत्मसम्मान होता है ना कि मेरा भी क्षेत्र का कम से कम इसमें पढ़ेगा लिखेगा, उसके लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए, कुछ नहीं छोड़ा। देखिए आप देखिए सिर्फ पास आप देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, बीच में सीमेंट डाल दिया, ऊपर से इसका जो टीना का पट्टी होता है ना उसको डाल दिया है। अब जितना भी आप लोग को ये सब दिख रहा होगा, दिखाइए ये सब दिख रहा है, किस कोई लोहा का नहीं है, ठीक है, लोहा ऊपर से है, बीच में इसको डाल दिया है, सिर्फ और सिर्फ मुझे देखो, सिर्फ और सिर्फ निप्पा पोती का काम किया गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें पता नहीं चलेगा आपको, उसमें पता चलेगा, और आपको हम दिखाएंगे, आइए। अभी हमने आपको दिखाया था, देखिए देखिए आप भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ देख सकते हैं। देखिए ऊपर से टीना सिर्फ दिया है और नीचे में सीमेंट का लगा दिया, और लोग को लगा कि ये लोहा का है, और यही 4 दिन से 5 दिन या तो 1 महीना 2 महीना में 3 महीना में 2 साल तो बनाने में लगा गया, ये तो खत्म हो जाएगा, सीधे भ्रष्टाचार हुआ, इसको इसका जांच होना चाहिए और शीघ्र ही जांच होना चाहिए, नहीं तो जो ना भ्रष्टाचार का खिलाफ भेंट चढ़ जाएगा, करोड़ों का संपत्ति बर्बाद हो रहा है और बिहार का भविष्य खेला जा रहा है, और बच्चा का भविष्य बर्बाद कर रहा है बिहार सरकार और यहाँ का ठेकेदार। बिहार सरकार सख्त एक्शन ले, और ऐसे ठेकेदार ऐसे जो है ना जो भी है उसपे जितना भी लोग शामिल है उस पर जो है सख्त एक्शन ले। यही अभी प्राइवेट कॉलेज बनता तो इसका निगरानी होता, CCTV कैमरा रहता, स्टाफ रहता, गार्ड रहता, लेकिन ये सरकारी ITI है। कहाँ तक सही, देखिए इसको सही कहा है, रोटीना है, ये चदरा है, इसमें क्या सही है, कहाँ तक सही है, देखिए तो यहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, सोच सकते आप, कोई देखने वाला नहीं है, क्या हो रहा नहीं हो रहा, कोई यहाँ से ईंट लेके चल जाएगा 200, कोई सीमेंट लेके चल जाएगा, कोई तोड़ देगा, कोई देख तारापुर ये जो ईंट जुड़ा है सिर्फ रखा हुआ, देख सकते हैं आप, देखिए 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 रणधीर जी, देखिए विदाउट ग्रेड का देखिए सीमेंट और बालू देखिए तो क्या होगा, सिर्फ ईंट रखा हुआ है, देखिए इसको हम अभी मारेंगे तो गिर जाएगा,
पक्का हम एक खट मार देंगे गिर जाएगा, लेकिन गिराना नहीं है, छोड़ दीजिए ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना बेड आउट ग्रेड का सीमेंट छड़ सब चीज इसमें जितना, चलिए और हम आप लोग को दिखाएंगे भूत बंगला।